देर से घुंघरू की आवाज नहीं आ रही है। इतनी रात का है राशि का फोन? हाँ राशि दिख रहा, बोल। कुछ तो बोल, क्या हुआ? हेलो मम्मी, मम्मी वो। अरे क्या मम्मी मम्मी किए जा रही है, अरे बोलने शू था यू। आपका तो अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ क्या हुआ है। क्या उस गोपी ने तुझे फिर से पीटा? नहीं मम्मी। तो शू, वो अनीता का भूत फिर से वापस आ गया? मम्मी अब मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए एक बार। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की। हे ठाकुर जी, आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अना छोकरी वापस आ गई तो? नहीं नहीं उर्मिला, कुछ तो सोचना ही होगा। जीजू भी जल्दी से अपनी चाय घटक के निकल नहीं सकते क्या? हेलो, चीनी कर रहा हूं। गोपी वो मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। मैं जो चाहती थी तेरे लिए वो तो हो ही गया। मतलब? मतलब कि हेम जीजू और तू धीरे धीरे करीब जो आने लगे हैं। आप क्या कह रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बुद्धू, मैं ये कह रही हूँ कि हेम जीजू को खुश करने के लिए मैंने हमेशा तुझे मेरे अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं ना। हाँ राशिबेन, आपने हमेशा मेरी मदद की है। जैसे उनका कमरा सजाने के लिए नए पर्दे लाना और तकिए पे नया कवर चढ़ाना, सब कुछ। और तू वो भूल गई, मैंने मैंने तुझे अपनी पार्लर की अपॉइंटमेंट भी तो दी थी, और मैंने तुझे एम जीजू को खुश करने के लिए ये सारा कमरा भी ठीक ठाक करवाया था, ताकि एम जीजू को जो भी चीज चाहिए वो उन्हें आसानी से मिल जाए। गोपी तू ये बात तो मानती है ना कि मैंने ये जो कुछ भी किया था उसके पीछे मेरा इरादा बस यही था कि तुझे और अहम जीजू को मैं करीब ला सकूं। हाँ राशिबेन, और उन्हें सब अच्छा भी लगा था, जैसे इस कमरे की सजावट उन्हें कितनी अच्छी लगी थी। हाँ तो तू ये बात तो कबूल करती है ना कि मैंने ये जो कुछ भी किया ये तेरी खुशी के लिए किया है। कॉपी वाओ।